सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, इसके बारे में तुमने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, पर इसका जवाब कभी भी तुम्हें ठीक से नहीं मिला होगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है तुमने कभी सोचा हो पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। यार जैसा कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल रीड किया है, आज हम बात करने वाले हैं आखिर व्हाइट बियर्ड कैसे वन पीस के इतने करीब था। बिकॉज तुम सब एक बात जानते हो कि हमें इस सीरीज में ये बताया गया है कि रॉजर के बाद अगर कोई सबसे करीब था वन पीस के तो वो था व्हाइट बियर्ड। पर कैसे? एक और चीज तुम ना याद रखना, एस व्हाइट बियर्ड को पायरेट किंग बनाना चाहता था और व्हाइट बियर्ड एस को पायरेट किंग बनाना चाहता था। अब देखो, इस बात पे तो किसी को भी डाउट नहीं है कि व्हाइट बियर्ड केपेबल था, बिकॉज व्हाइट बियर्ड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, प्लस वो एक योंको भी था, फिशमैन आइलैंड उसकी टेरिटरी थी। और अगर तुमने ओडिन की बैक स्टोरी ध्यान से देखी है तो तुम्हें याद होगा कि फिशमैन आइलैंड में एक रोड पॉनिक्लिप भी था। प्लस तुम्हें इस बात की भी जानकारी जरूर होगी, जब तुम इस तरह के चार रोड पॉनिक्लिप को खोज लेते हो तो ये चार मिलके एक आइलैंड का रास्ता बताती हैं, जो कि है लाफ्टेल। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लाफ्टेल में क्या छिपा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो व्हाइट बियर्ड को चार रोड पॉनिक्लिप चाहिए वन पीस को खोजने के लिए, जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा वानो, जो एंड होल केक, जिनमें से एक पे वो गया नहीं है। बाकी दो पे अगर वो मान लो चला भी गया तो उसे योंको से फाइट करना पड़ेगा। अब इस पे नो डाउट व्हाइट बियर्ड इसका लायक है कि वो योंको से फाइट कर ले और वो योंको को हरा भी दे, पर भाई व्हाइट बियर्ड को तो काइडो से फाइट भी नहीं करना। अब ये बात मुझे एनिमे वॉचर्स पूछेंगे, भाई ये बात कब बताया गया? एपिसोड 1014 में। क्या मतलब कि हैकर की वजह से वो एपिसोड अभी तक आया नहीं है? वैसे मुझे अगर तुम गाली देने का विचार बना रहे हो तो अपने मन से त्याग दो, बिकॉज वो गुस्सा बचा के रखो हैकर को गाली देने के लिए। हाँ तो यार, जैसे कि मैं कह रहा था, व्हाइट बियर्ड के पास एक रोड पॉनक्लिफ है पर उसको चाहिए चार, और वो चार हासिल नहीं कर सकता। अच्छा चलो, एक टाइम पे हम लोग मान लेते हैं व्हाइट बियर्ड ने चार रोड पॉनक्लिफ हासिल कर लिए, पर उसे रीड कौन करेगा? बिकॉज तुम्हें एक बात तो मालूम हो गई, उसे रीड करने वाला आज के टाइम पे सिर्फ निको रॉबिन है, जो कि एक ओहारन है और कोजुकी फैमिली, हमें ये बात बताया गया। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका आंख का अवेकनिंग होना है, बट वो अभी तक नहीं हुआ। करंट टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी उसका आंख अवेकन नहीं है, पास्ट को तो भूल ही जाओ। तो भाई इन सारे पॉइंट्स के साथ कैसे कह सकते हैं कि व्हाइट बियर्ड वन पीस के सबसे करीब था? बिकॉज अगर एक पॉनिक्लिप को रखना ही वन पीस के सबसे करीब होता है, फिर तो यार लिलिन और काइडो भी वन पीस के सबसे करीब हुए, बट हमें व्हाइट बियर्ड को ही क्यों बताया जाता है? व्हाइट बियर्ड सबसे करीब था। टेंशन मत लो, इस सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। चलो जरा हम वहां चलते हैं जब रॉजर ने वन पीस को खोजा था। उसका नेम गोल्डी रॉजर से हटा के गोल्ड रॉजर कर दिया गया, प्लस उसे पायरेट किंग का टाइटल मिला। अब ये काम किसका है? नो डाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही है। वो नहीं चाहती कि कोई इस बारे में जाने। प्लस यहाँ कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉर्गन ने ये काम किया हो, वो जानबूझ करके किया हो। इस पे नो डाउट मॉर्गन ऐसे नशे करके जानबूझ करके यार ऐसे अखबार छापता रहता है। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक टाइम पे मान सकता हूँ उसने बढ़ा चढ़ा करके, चलो मान लिया, रॉजर को पायरेट किंग बना दिया, ये सारी चीजें कुछ भी कर ली। बट तुम एक बात बताओ, मॉर्गन का क्या जाता है भाई गोल्डी रॉजर का नाम छिपाने में? अगर मॉर्गन छापता ना तो भाई वो गोल्डी रॉजर ही लिखता, ना कि गोल्ड रॉजर लिखता। यहाँ पर हमें साफ साफ इस पॉइंट के साथ मालूम पड़ जाता है कि इस अखबार को छापने का पूरा श्रेय जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि कोई इस बारे में जाने, किसी को मालूम पड़े आखिर क्या है वन पीस। तो यार ये सारे पॉइंट्स जो है ये प्रूव करते हैं कि रॉजर का नेम छिपाना, उसको पायरेट किंग बनाना, प्लस उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन देना, ये सारे जितने भी है यार, ये सारा का सारा वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही किया धराया है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है जिस पर तुम लोग का ध्यान कभी नहीं जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये कैसे करके पता चला कि रॉजर लाफ्टेल पे गया है? वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू लॉर्ड ऑफ हरामी इस टॉपिक पे माथा फोड़ने के लिए। अब मैं दोबारा से टॉपिक पे आना चाहूंगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि रॉजर लाफ्टेल पे गया है, बिकॉज वहां पर तो कोई बिना चार रोड पॉनिक्लिप के जा ही नहीं सकता,
तो फिर वहाँ पर ये सारा लफड़ा हुआ, वो कैसे करके वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चला, ये सारी चीजें मालूम क्या इशारा करती है कि भाई पक्का लाफ्टेल पे जाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। जिस तरह से स्काइपिया जाने के दो रास्ते हैं, उसी तरह से लाफ्टेल पे भी जाने के एक से ज्यादा रास्ते हैं। और इस रास्ते की जानकारी मेरे हिसाब से वर्ल्ड गवर्नमेंट में सिर्फ ईमू को ही है। प्लस अगर तुम यहाँ पर मुंह उठा के कहने वाले हो कि पांच बुड्ढों का क्या, तो मेरे हिसाब से पांच बुड्ढों को नहीं पता लाफ्टेल जाने का दूसरा रास्ता, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन ये पांच बुड्ढे अमर नहीं है, जिसने मांगा ध्यान से रीड किया उसको ये बात मालूम पड़ गया होगा। प्लस हमें मांगा चैप्टर में ये बात भी हमें मालूम पड़ जाता है कि पांच बुड्ढों को बहुत सारे जानकारियां अच्छे से नहीं मालूम होती है। तो यार इस वजह से ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि ईमू को ही उस रास्ते के बारे में पता है। अब हम आते हैं व्हाइट बियर्ड पे। रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद अगर कोई पायरेट था जो पूरे वर्ल्ड में इतना सालों तक घूमा होगा, तो वो कोई और नहीं, वो था वाइड बियर्ड। अब यहाँ पर तुम में से कोई उठ के ये बोल सकता है भाई सैंक्स भी तो भटकता रहता है। भाई इस पे नो डाउट सैंक्स भी भटकता रहता है, पर भाई वो सिर्फ 6 साल पहले यंग को बना है और वाइड बियर्ड कई सालों से समुन्दर पे राज कर रहा है, ये बात याद रखना। लिनलिन और काइडो रेयरली ही अपने टेरिटरी से बाहर निकलते हैं, तो बचा कौन जो रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद पूरे समुंदर को खंगाल सके? और कोई नहीं यार, एडवर्ड न्यूगेट वाइड बियर्ड। और भाई गार्प के अलावा कोई पागल ही होगा जो डायरेक्ट जाके इससे पंगे ले, बिकॉज वो उसे समुंदर में ही गाड़ देगा। अब यार चलो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने अभी तक इस वीडियो में जो कुछ भी पॉइंट्स दिए हैं, इस बेसिस पे मेरा ये मानना है कि रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद वाइट बियर्ड ने पूरा समुंदर को खंगाला होगा और उसने उस रास्ते को खोज लिया जिस दूसरे रास्ते के बारे में सिर्फ ईमू को ही पता था, या फिर पता है लेकिन वो वहां पर गया नहीं। उसे ये बात मालूम था कि फ्यूचर में कोई आएगा जो वन पीस को खोजेगा, रॉजर के विल को कैरी करेगा, और वो ये बंदा नहीं है। प्लस एक और रीजन, व्हाइट बियर्ड को कभी भी वन पीस में इंटरेस्ट था ही नहीं। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो कुछ भी यहाँ पर कहा तुम्हें समझ में आया होगा। और तुम्हारा क्या मानना यार कमेंट बॉक्स में बताओ। प्लस इस वीडियो के बारे में बताओ कि तुम्हें ये थ्योरी कैसा लगा। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। और हाँ, अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर वन पीस के वीडियोस यार लाते रहता हूँ। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।